I've had it, that feeling, like I can't go on, like I can't keep breathing. सो गाइज आज के स्टूडियो में मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू Mi Sports Bluetooth Earphones का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल से, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो गाइज शुरू करते हैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग से। तो काफी मिनिमल डिजाइन का आपको बॉक्स मिल जाता है व्हाइट कलर का, जो कि Xiaomi के सारे ही प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं और मुझे खासकर बहुत ही पसंद है। बात करें अगर बॉक्स की बैक साइड की, तो आपको Mi Sports के कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ब्लूटूथ का 4.1 वर्जन है इसमें और आपको ऑपरेटिंग रेंज आपको 10 मीटर है, लेकिन मैंने अपने टेस्ट में इसको 10 मीटर से कहीं ज़्यादा पाया है। और अगर बता दूँ आपको चार्जिंग टाइम की, तो आपको 2 आवर्स की चार्जिंग टाइम है, जो कि बिल्कुल सही है इन्होंने बताया है। और मैक्सिमम प्लेबैक टाइम है आपको 7 आवर्स, लेकिन मैंने इसमें टेस्ट में अगेन इसको ज़्यादा पाया है, तकरीबन से 8 to 9 आवर्स मिल जाते हैं बहुत ही आराम से। और बात करूँ अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो आपको 100mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड हूँ मैं इस बैटरी कैपेसिटी से और काफ़ी अच्छा प्लेबैक आपको दे देती है। तो बॉक्स कंटेंट की बात करूँ, तो आपको मिल जाता है एक सबसे पहले USB केबल, जो कि साइज में बहुत ही छोटा है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इससे, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल सही था, इतना ख़राब नहीं था, लेकिन ये यूजलेस चीज़ है मेरे ख्याल से। और आपको मिल जाता है आगे ईयरबड्स, जो कि काफ़ी सारे साइज़ के ईयरबड्स हैं इसमें। और आगे आपको मिल जाता है यहाँ पे मेन कंटेंट, जो कि है वायरलेस ईयरफोन। और आगे मिल जाता है आपको एक गाइड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गाइड से ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस ईयरफोन की। सो गाइज अब कर लेते हैं अपने एयरफोन को मोबाइल से कनेक्ट, जो कि सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा, 2-3 सेकंड का काम है ये। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको जो फंक्शन की है उसको 7 to 8 सेकंड तक आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद ये न्यू पेयरिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा और आपको मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा बहुत ही सिंपली। सो गाइज वीडियो के लास्ट में मैं आपको बात करना चाहूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी की और साउंड क्वालिटी की। तो मैंने जो इसको 7 to 8 डेज आपको यूज़ किया है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इसका जो क्वालिटी है बहुत ही कमाल का है। और अगर बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बना हुआ एक रबराइज्ड मटेरियल से, जो कि काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल है, आपको एयर पेन नहीं होता यूज़ करते वक्त, अब बहुत ही कम्फर्टेबली आपको एयर में आपको फिट हो जाता है। और अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी की, तो गाइज इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मेरे ख्याल से, वोकल्स काफ़ी अच्छे हैं और इसके साउंड की जो प्रोड्यूस है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाई डायनेमिक मैं कह सकता हूँ साउंड है, और बेस भी काफ़ी अच्छा है, टॉप क्लास का बेस है। तो मेरे लिए इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू है और प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वैरी करता है आपको। सो गाइज बस आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरे जो ओपिनियन थे बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, तो आपको दस पे डाउट करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था और आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अगर आपको बाइक करना है तो ज़रूर बाइक कर सकते हैं आप, मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव ये रिव्यू था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।